Hey guys, आज है मेरे साथ यामा MT-15 BSX और आप सभी लोग जानते हो जो यामा की जितनी भी मोटरसाइकिल्स होती है ना तो उनकी जो मार्केट में मॉडिफिकेशन के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं ताकि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सको। तो आज का ये वीडियो होने वाला है टोटली मॉडिफिकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है ना कि आप भी अपनी MT-15 को थोड़ा सा पर्सनलाइज लुक दे सकते हो, थोड़ी सी और सेक्सीनेस ऐड कर सकते हो। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज नीलेश, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं फ्रंट से इस मोटरसाइकिल की। तो पहले फ्रंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइक कुछ इस तरह की दिखती है और ये हमने एक आफ्टर मार्केट वाइज़र इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये हमने बैंडी डॉस से मंगाया था और ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास MT-15 है और आप ये वाइज़र लगा देते हो तो इसकी जो लुक है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी टूरिंग पर्पज़ वाली मोटरसाइकिल दिखने लगती है। तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस, दूसरी मॉडिफिकेशन के बारे में बढ़ते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमने इंस्टॉल किया है हैजर्ड स्विच जो कि सिमटेक की तरफ से है और इसमें ये जो है ना परफेक्टली काम करता है, चारों इंडिकेटर ब्लिंक करता है और काफ़ी सारे पैटर्न के साथ आता है और वारंटी के साथ आते हैं। तो ये हमने सिमटेक की वेबसाइट से मंगाया था। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो इसका भी जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है आपकी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फैमिली है काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड रह सके और उनको ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो सकें। एंड गाइस, बढ़ते हैं अब तीसरी मॉडिफिकेशन के ऊपर जो हमने करा रखी है इस MT-15 में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने क्रैश गार्ड इंस्टॉल कर रखे हैं ताकि बाइक अगर गिरे तो इसमें ये पुल्स लगे हुए हैं और इसमें इम्पैक्ट ना आए, इसलिए हमने ये इंस्टॉल करा रखा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जिनके पास भी MT-15 है ना तो वो उनको ये ज़रूर से इंस्टॉल करा लेना चाहिए ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली बाइक क्रैश होती है या गिरती है तो आपके ये जो फाइबर पार्ट्स है ना उनको डैमेज ना हो। तो ये भी हमने बैंडी डॉस से ऑर्डर किया था और ये भी आपको काफ़ी कन्वीनियंट रेट में देखने को मिल जाते हैं। और जो इसकी करंट प्राइस है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है ना एग्जैक्ट प्राइस पता चल सके। और ये हाईली रिकमेंडेड एक्सेसरीज़ है MT-15 के लिए। एंड गाइस, इस मोटरसाइकिल की फोर्थ मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। आप सभी लोग जानते हो ये लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है, तो यहाँ पर इसमें रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक रेडिएटर गार्ड इंस्टॉल कराया है ताकि जब ये टायर से ना थोड़े से कंकड़ वगैरह जैसे उछलते हैं तो वो इसको डैमेज ना करे, इसलिए हमने इसको लगाया है। और ये भी काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस रेडिएटर को, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल में ना रेडिएटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो समझ लो आपकी बाइक सीज हो सकती है। एंड गाइस, बात करते हैं इसके फिफ्थ मॉडिफिकेशन की। तो यहाँ पर हमने जो है ना पीछे इंस्टॉल कर रखा है JB रेसिंग के रैक, क्योंकि ये वाली जो सीट है ना थोड़ी सी छोटी है और जो लोग भी टूर करना चाहते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ तो उनको ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये JB रेसिंग का ये जो रैक है वो लगवा लें, ताकि इसमें आप ना बंजी कॉर्ड से इसमें आप लगेज बांध सकते हो और पीछे बैठने वाले के लिए भी थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, तो वो भी इसमें कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड एक्सेसरीज़ है MT-15 के लिए, तो आप इसके लिए ज़रूर जाएँ अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल है और ये आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। एंड गाइस, फाइनली अब बात करते हैं इसकी सिक्स मॉडिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इस मोटरसाइकिल में। और मैं मानता हूँ ये मॉडिफिकेशन आपकी मोटरसाइकिल में ज़रूर होनी चाहिए अगर आपके पास MT-15 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस लेडीज़ फुटरेस्ट के बारे में। आपकी मम्मी वगैरह अगर बैठती हैं इस मोटरसाइकिल में और ये नहीं है आपके पास तो आप मार खा जाओगे, ये तो तय है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इससे क्या है ना पिलन के लिए भी थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है ताकि वो अपने पैर ऐसे रख सकता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल एक्सेसरीज़ है MT-15 के लिए। सो गाइस, आप लोगों के पास भी ना कोई आइडिया है या और भी आप कोई मॉडिफिकेशन रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो हमने मॉडिफिकेशन करा रखी है ये आप लोगों को कैसी लग रही है, और ये ब्लैक कलर और ये सारी मॉडिफिकेशन इस मोटरसाइकिल को कितना इन्हेंस कर रही है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड सेफ राइड, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।